ये समझ लें कि बस मैंने ये किसाना खोला है, ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। कराची वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, मेरा नाम है अब्दुल समद नूरानी और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम लोग मौजूद हैं मद्रास में, मद्रास चौक पाकिस्तान में। यहाँ पे हम आपको एक और न्यू पिज़्ज़ा नान इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि हमारे भाई ने खोला है। और इनका मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता चलूँ, इनका बहुत अच्छा बिज़नेस था और वो बिल्कुल लॉकडाउन में लॉस होने के बाद इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसको ओपन किया, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इनका पिज़्ज़ा नान काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और लोकेशन थोड़ी सी मैं गाइड कर दूँ, उस तरफ जो आपको रोड नज़र आ रहा था वो सीधा डाउ से आ रहा है, डाउ मेडिकल कॉलेज से। और ये स्कीम 33 है और मद्रास चौक है और ये ऊपर देख रहे होंगे आप मेरे नान साहब है। तो यहाँ पे आपने आना है, भाई को सपोर्ट भी करना है और इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना है। और पूरे रमज़ान ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर है यहाँ पर, पूरे रमज़ान ईद तक आएँ। यहाँ पे इनका जो सुप्रीम पिज़्ज़ा है और इनका फजीदा साहब जो सबसे यूनिक पिज़्ज़ा है इनका, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला था, लेकिन रिव्यू आपको फिर भी देंगे हम वीडियो में। तो भैया आपने आना ज़रूर है, भाई को सपोर्ट करना है, कराची वालों किल कर देना सपोर्ट कर करके, तो आना ज़रूर है। चलें आए आपको बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं, आ जाएँ। ये सबसे पहले तो यहाँ रोटी को बेला जा रहा है, इसकी डो को बेला जा रहा है और ये प्रोसेस शूट करने में भी और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो भैया अब इस पर डाला जा रहा है अफ़गानी सॉस स्पेशली डाला जाता है क्योंकि इसको स्टफ़ किया जाता है अफ़गानी सॉस के साथ और तमाम पिज़्ज़ा नान पिज़्ज़ा वाले इसको डालते हैं अफ़गानी सॉस को। और इसको फोल्ड किया जा रहा है, दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दिया जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर बटर लगाया जाएगा। बटर लगाने के बाद इसको इसके ऊपर तिल डाले जाएंगे, तिल डालने के बाद इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस आ जाता है, पिज़्ज़ा सॉस को पूरा लगा देंगे अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर अनियन आ जाएगा, चिकन आ जाएगा, चिकन की क्वांटिटी जो है बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगी मोज़रेला चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा एलोपिनोज, कैप्सिकम, इसके बाद टमाटर आ जाएगा। टमाटर आने के बाद आप देखें इसकी लुकिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इसके बाद ये 400 सेल्सियस डिग्री के अंदर इसको भट्टी के अंदर डालेंगे और ये गया भट्टी के अंदर। नान पिज़्ज़ा भट्टी से बाहर निकल रहा है और अब इसकी कटिंग की जाएगी जो कि कटिंग करने का भी एक इनका अलग ही डिफरेंट स्टाइल है। और इसके बाद इसके ऊपर सॉस इनका लगाया जा रहा है और इसकी देखें कितना क्रिस्पी ज़बरदस्त लुक है। वेलकम बैक गाइस, तो अब आपको मिलाते हैं नान साहब के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका प्यारा सा? मेरा नाम नुमान है आजकल। भाई नुमान भाई है इनका नाम और हमारे नुमान जो है बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अब तो वो पुराने हो गए। खैर तो नुमान भाई, अभी तक मैंने जो आपकी स्टोरी सुनी है यार, आप मतलब बिल्कुल लॉस में आ गए थे अपने पुराने काम की वजह से, तो आपकी जेब में आप बता रहे हैं कि यार सिर्फ 100 रुपये दे, फिर भी मैंने ये एम्पायर मतलब छोटा सा ही है पर ये खड़ा किया, तो कैसे आपने इस एरिए के अंदर इसको खोलने का सोचा और कैसे ये सब कुछ आपने फेस किया, कैसे खोला ये सब कुछ? यार सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, लॉकडाउन आया था उसमें मैं जितना सर्वाइव कर सका मैंने किया। जब मैंने देखा कि अब मैं बिल्कुल बैठता जा रहा हूँ क्योंकि जो माल था मेरे पास शॉप पर, रेंट की शॉप थी, बता देना क्या था, मेरा कॉस्मेटिक का था 3 तलवार पे, ठीक है। अब मैंने देखा मैं बैठता चला जा रहा हूँ तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको क्लोज कर दूँ क्योंकि माल लेवल सब ख़त्म हो जाता। सही। तो वो माल मैंने जो मेरा माल था वो समझ लें मैंने आधी से भी कम कीमत में वो सेल किया। सही। वो रकम मेरे हाथ में आई, उसको मैंने सेफ रखा, ठीक है। फिर मैंने इस पर 2 महीने वर्किंग करी है, मैंने बहुत मतलब बहुत मैंने ख्वारी करी है समझ लें, जी जान लगा दी आपने, जी जान लगा दी है मतलब इस पे सर्चिंग पे। पहले तो समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। सही। लॉकडाउन में सही बात है, सबका यही हाल। 2 महीने तो मैं घूमता रहा, फिर एक आइडिया आया, मैंने वीडियोस देखी तुर्क नान की, मतलब और भी वीडियोस देखी मैंने। सही। फिर मैं फैसला किया, वो जो मेरे पास रकम आई हुई थी वो तो मैंने सेफ रखी हुई थी, कुछ मैंने लिए मैंने अपने रिलेटिव से मतलब किसी से लिए, ये समझ लें कि बस मैंने ये किसाना खोला है ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त। हिम्मत है मर्दा तो मर्द भी खुदा। तो अच्छा मुझे एरिया का बताएं थोड़ा, आपने ये एरिया क्यों सिलेक्ट किया ये खोलने के लिए अपना रेस्टोरेंट? इसकी 2 वजह हैं, पहली बात तो यहाँ था नहीं, इस एरिया में है, जौहर में थोड़ा दूर है,
और दूसरी वजह ये है कि मेरे घर से करीब है, मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा ही मतलब डिस्टेंस पे एक मेरा घर है। तो ये वजह। उसके अलावा एक चीज़ और कि आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस बिल्कुल अलग था, अब आप बिल्कुल इसमें डिफरेंट बिजनेस में, बिल्कुल डिफरेंट, ये समझ लें जमीन और आसमान। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, मतलब कैसे आपने ये कुछ पढ़ा इस बारे में, स्ट्रगल किया, क्या क्या किस तरह आपने ये आइडिया कैसे आया? जब मैंने ये खोला है तो मुझे इसकी अलिफ से वे नहीं पता थी, ये मैंने किसी के थ्रू मतलब किसी से पूछ के ये भट्टी का सेटअप, ये पूरा सेटअप मैंने बनवाया। क्योंकि आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ पे भी खाया है ये नान पिज़्ज़ा, मुझे सबसे अच्छा आपका लगा, तो आपने ऐसा क्या किया जो सबसे अच्छा टेस्ट लेके? यार देखें, मैंने शुरू में तो कारीगर रखे थे यहाँ पे, सही है, ठीक है, मुझे अलिफ से वे नहीं पता थी इसकी। बाकी देखें, हर इंसान की एक अपनी जस्तुजी होती है, मुझे शौक भी है इस चीज़ का, मैं वैसे भी मतलब घर पे हेड शेफ यही है, आप ही है मतलब यहाँ पे अभी, समझ लें मैं हूँ और एक ये लड़का है, सही है, हम दोनों होते हैं। बाकी मतलब अब सारा काम मैं अपने हाथ से टेक ओवर करता हूँ, सॉसेज बनाना, मतलब आटे को देखना, पीछे का जितना काम है सब मैं देखता हूँ, भट्टी पे भी देख लेता हूँ अगर कारीगर नहीं हो, सही, मतलब ए टू ज़ेड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सीख लिया मैंने, ज़बरदस्त हो गया, मतलब 3-4 महीने में आप सब कुछ सीख चुके हैं? 3 महीने, हाँ 4th महीना ही है अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम। अच्छा एक और चीज़ आपसे सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करूँ मैं, कि हमारा मेरी बात हो रही थी भाई से, तो भाई से मैंने बोला यार इस एरिया के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस आपका ज़्यादा है, तो इन्होंने बोला यार चलो आपके व्यूवर्स के लिए मैं पूरे रमज़ान में 20% डिस्काउंट दे देता हूँ फजीता साहब पे और सुप्रीम पिज़्ज़ा पे। अच्छा तो ये डिस्काउंट जो है टेक अवे के लिए भी अवेलेबल है और यहाँ पे डाइनिंग के लिए भी अवेलेबल है, तो जल्दी से इसको अवेल करें, यहाँ पे मौजूद लोग भी और पूरे कराची में, कराची वाले सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पता है, सबसे आगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भाई को सपोर्ट करेंगे और इनको बताएंगे कि नहीं जी कराची वाले सपोर्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज, तो हम पिज़्ज़ा हमारे पास रेडी होके आ गए और पिज़्ज़े का नाम भी जो है वो यहाँ के नाम की तरह, नान साहब की तरह स्पेशल है, फजीता साहब। तो हमारे साथ उसामा भी मौजूद है आज पिज़्ज़ा का टेस्ट करने के लिए, तो उसामा भाई जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हम पहले बोलते हैं उसी को कि आप स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करके बताएं। शुरू करते हैं क्योंकि हम जो है जेन्युइन रिव्यू देना चाहते हैं, इसलिए किसी नए बंदे को ट्राई कराना चाहते हैं। सुपर यार, काफी डिलीशियस है। पहले जो आपने खाए मतलब पिज़्ज़ा इस टाइप के, उनमें आपको अच्छा लगा इनका टेस्ट? जी जी, मतलब काफ़ी थोड़ा अलग है उनसे, दूसरा पिज़्ज़ा जो होता है आम पिज़्ज़ा। यार वाकई टेस्ट तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्पाइसी भी है पर ये काबिल मतलब खा सकता है बंदा, और बहुत अच्छा टेस्ट है जी। और अपने टेस्ट बड के मुताबिक आप अपना फ्लेवर चूज़ करें, पर मुझे, मैं समझता हूँ अभी मैंने यही ट्राई किया है पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इतना अच्छा है मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी खाए उससे बेहतर है ये सब। तो लाजमी रिकमेंड करेगा कराची फूडीज आपको कि ये पिज़्ज़ा लाजमी आगे ट्राई करें। और उसामा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे पिज़्ज़ा के बारे में? मतलब एक अलग हो गया, जिस तरह नान के अंदर इन्होंने बना के दे रहे हैं ये, और नाम भी इनका नान साहब रखा है इन्होंने, मतलब काफ़ी एक अलग का जायका है, काफ़ी डिलीशियस है टेस्ट, वाकई जेन्युइन टेस्ट है और जेन्युइन हमारा फीडबैक भी है कि टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, लाजमी आके ट्राई करें। लोकेशन भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ, ये मद्रास चौक है स्कीम 33 में, डॉ मेडिकल कॉलेज वाला सीधा रोड है ये, तो यहाँ पर लोकेशन बिल्कुल ईजी, हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे देंगे, तो आप लोगों को लाजमी यहाँ पे आना है और ट्राई भी करके बताना है बस। आते भाई एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो भी सुन लें थोड़ा सा, कि हमारे भाई ने, नान साहब वाले भाई ने हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत स्पेशल डिस्काउंट रखा है पूरे रमज़ान में, तो रमज़ान में अफ्तारी से लेके सहरी तक ये अवेलेबल है, यहाँ पे आके ट्राई करें लाजमी, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ का, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम अपना फूड अब इंजॉय कर रहे हैं। और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।